देश की जनता को पूछना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी परिवारवादी पार्टी होती तो एक चाय बेचने वाले का बेटा कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। लोकतंत्र के अंदर मित्रों, लोकतंत्र के अंदर ये बहुत जरूरी है, सबको समान अवसर मिले, सबके अंदर ईश्वर दत्त शक्तियां जो पड़ी हैं, वो ईश्वर दत्त शक्तियों के आधार पर उसको आगे बढ़ने का मौका मिले, और केवल भारतीय जनता पार्टी में विद्यमान है और किसी दल में। भाई और बहनों, मोदी जी एक गरीब परिवार से, गरीब मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते, इतने गरीब परिवार से इस देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने पूरे विश्व में देश को सम्मान दिलाया, गौरव दिलाया, प्रस्थापित। इस देश की राष्ट्रपति एक जनजाति परिवार से आती है, जनजातियों में भी अति पिछड़ी जातियों में से राष्ट्रपति मुर्मू जी आती है। प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने एक गरीब आदिवासी की बेटी को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाकर सभी आदिवासियों का सम्मान। इस देश का उपराष्ट्रपति एक किसान का बेटा, खेत जोतने वाले का बेटा इस देश का उपराष्ट्रपति बना है। मित्रों, मैं खुद कह मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में बूथ का काम करने वाला एक व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है, राष्ट्रपति भी बन सकता, और केवल भारतीय जनता पार्टी में ये सहूलियत उपलब्ध है, क्योंकि हमने हमारी पार्टी को लोकतांत्रिक पार्टी बनाकर रखा है। मित्रों, ये परिवारवादी पार्टियां जो अपने बेटे बेटियों के लिए काम करती है, वो देश का कल्याण नहीं कर सकती, केवल और केवल राष्ट्र प्रथम के नारे के साथ आगे बढ़ रही भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही भारतीय जनता पार्टी ही देश का कल्याण कर सकती।